नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी ड्रोन हमले में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदानी ढेर, सीरिया के अलबाब इलाके में किया था हमला, पेंटागन ने की पुष्टि। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरण से मुलाकात, कहा प्रधानमंत्री प्रचंड के दौरे से सुधरेंगे भारत नेपाल के संबंध, 17 सितंबर से शुरू होगी प्रचंड की भारत यात्रा। पाकिस्तान और रूस के बीच बड़ी नजदीकियां, पहली बार एक साथ करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के 200 जवान लेंगे संयुक्त अभ्यास में हिस्सा। सीरिया में 5 साल से जारी हिंसा पर लगा विराम, अगले महीने सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच शुरू हो सकती है बातचीत, संघर्ष विराम पर रूस और अमेरिका ने जताई थी सहमति। उत्तर कोरिया के हामग्योंग प्रांत में बाढ़ का कहर जारी, 130 लोगों की मौत, 400 लापता, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। बलूचिस्तान में उठती आजादी की मांग पर बोला अमेरिका, हम नहीं करते बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन, पाकिस्तान की एकता और क्षेत्रीय अखंडता का करते हैं सम्मान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।